उधर तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि तुर्की ने अपने यहाँ रूस और बेलारूस के विमानों के रखरखाव और उनमें ईंधन भरने पर पाबंदी लगा दी। ये ऐसे विमान हैं जिनमें बड़े पैमाने पर अमेरिका में बने उपकरण लगे हैं। इससे पहले तुर्की ने समंदर के रास्ते रूस सप्लाई की जाने वाली प्रतिबंधित चीजों पर भी रोक लगा दी थी। और अब एक बार फिर उसने पुतिन को बड़ा झटका दे दिया। तुर्की के मीडिया का दावा है कि तुर्की ने अपने यहाँ अमेरिका में बने रूस और बेलारूस के प्राइवेट कार्गो, चार्टर और यात्री विमानों में ईंधन भरने और उनकी मरम्मत करने पर पाबंदी लगा दी। ये प्रतिबंध रूस के साथ बेलारूस और ईरान के एक एक विमान पर लागू होगा। तुर्की के मीडिया का कहना है कि जिन विमानों पर पाबंदी लगाई गई उनमें लगे 25% से ज्यादा उपकरण अमेरिका में बने हैं। इसलिए अमेरिका के दबाव में तुर्की ने अपने यहाँ इन विमानों में ईंधन भरने और उनके रखरखाव पर रोक लगा दी। इस बीच मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में हुई गोलीबारी में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई जबकि 7 लोग पकड़े गए जो अपहरण और ड्रग्स तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य हैं, जिनके पास से खतरनाक हथियार भी बरामद हुए। पकड़े गए 7 अपराधियों में एक महिला भी शामिल है। El Estado de México fue quien nos liberó. Nosotros hacemos la detención acá de los agresores. पुलिस ने एक घर से उन 4 लोगों को सुरक्षित बचाया जिनका अपहरण इन बदमाशों ने किया था। उधर ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने दावा किया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया गया तो वो भारी जीत के साथ एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। मस्क ने एक ट्वीट करके ये बड़ा दावा किया और उन्होंने ये ट्वीट तब किया जब अमेरिकी मीडिया में ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया जा सकता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक खुद ट्रंप ने ये दावा किया कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ट्रंप पर आरोप है कि 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने पॉर्न स्टार स्टॉमी डेनियल्स को अपने वकील के जरिए पैसे भिजवाए थे। आरोप है कि ट्रंप ने तब स्टॉमी डेनियल्स को $1,30,000 यानी भारतीय रुपए में 1 करोड़ दिए थे ताकि उन्हें चुप किया जा सके, क्योंकि एक चैनल को दिए इंटरव्यू में स्टॉमी डेनियल्स ने दावा किया था कि 2006 में उन्होंने ट्रंप के साथ यौन संबंध बनाए थे। लेकिन ट्रंप ने इस आरोप को सिरे से नकार दिया था। हालांकि इसके बाद उनके खिलाफ इस मामले में जांच शुरू कर दी गई और अब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसके बाद इलॉन मस्क का ये चौंकाने वाला ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप की बड़ी जीत का दावा कर दिया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि गिरफ्तारी से ट्रंप को किस तरह फायदा होगा। उधर ट्रंप के दावे से अमेरिका में सियासी भूचाल आ गया क्योंकि उन्होंने अपने समर्थकों से एक बार फिर सड़कों पर उतरने की अपील कर दी ताकि उनकी गिरफ्तारी होने पर विरोध जताया जा सके, और इस अपील के बाद ट्रंप सोशल मीडिया पर घिर गए। अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ट्वीट किया कि ट्रंप ऐसे पैंतरों से कानून से बच नहीं सकते। इधर अफगानिस्तान में आतंकी संगठन ISKP और तालिबान के बीच का विवाद ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। तालिबान ने ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के आतंकियों की कुछ तस्वीरें जारी की जिन पर बवाल मच गया, क्योंकि इन तस्वीरों में आतंकियों को महिलाओं के कपड़े पहने दिखाया गया था। एक नहीं बल्कि कई आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई, कुछ के हाथों में तो राइफल तक दिखाई दी। दावा यह है कि ये सभी आतंकी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के। न्यूज 18 के हाथ लगी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उन आतंकियों की हैं जो महिलाओं के लिबास में छुपकर हमलों को अंजाम देते हैं। महिलाओं के कपड़ों में आतंकियों की तस्वीरों ने सनसनी मचा दी। पहले तालिबान प्रशासन ने ऐसी कई फोटो जारी की जिसमें कुछ पुरुषों को महिलाओं के कपड़े पहने हुए दिखाया गया था। दावा किया गया है कि इन लोगों के संबंध आतंकवादी संगठन ISKP से हैं। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आते ही इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस बुरी तरह तिलमिला गया। उसने तालिबान पर पलटवार करने में देर नहीं की। ISKP ने कह दिया कि महिलाओं के पीछे छुपने की संस्कृति तालिबान की है और सफाई देते हुए कहा कि जिन भी आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई उनका इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से कोई संबंध नहीं है। लेकिन दोनों संगठनों के बीच हुए वार पलटवार से साफ हो गया कि दोनों के बीच बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी है, जिसके कारण अफगानिस्तान एक बार फिर आतंक की आग में झुलस सकता है। पिछले करीब 10 दिन से दोनों संगठन आमने सामने हैं। पहले तालिबान ने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के कुछ आतंकियों को ढेर किया, फिर बदला लेने के लिए ISKP ने बल्ख प्रांत के गवर्नर को दफ्तर में घुसकर मार दिया। ये दोनों संगठन खूंखार भी हैं और बेहद खतरनाक भी। खास बात यह कि दोनों ने अमेरिकी फौज से मिलकर जंग लड़ी है। असल में आतंकवादी संगठन ISKP और तालिबान कभी एक साथ मिलकर अफगानिस्तान में आतंकी वारदात किया करते थे, लेकिन जब से तालिबान का अफगानिस्तान में शासन आया इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस उसके पूरी तरह से खिलाफ हो गया। सूत्रों के मुताबिक तालिबान के कई बड़े नेता इस वक्त इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के निशाने पर हैं। इस बीच दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान को सऊदी अरब ने बिना ब्याज के कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया। मतलब ये कि कंगाल हो चुके पाकिस्तान का साथ उसके सबसे करीबी दोस्त सऊदी अरब ने भी छोड़ दिया, जबकि उसने हमेशा संकट की घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया था। जब जब पाकिस्तान को कर्ज की जरूरत पड़ी या कोई संकट आया सऊदी अरब ने सबसे पहले उसकी मदद की। लेकिन इस बार पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सऊदी अरब ने भी उससे किनारा करने का मन बना लिया। उसने साफ कर दिया कि वो आर्थिक संकट से निकालने के लिए न तो पाकिस्तान को किसी तरह का बेल आउट पैकेज देगा और न ही बिना ब्याज का कोई कर्ज। अपने करीबी दोस्त के इस फैसले से शहबाज शरीफ की सरकार हैरत में। उसे ये तक नहीं सूझ रहा कि वो सऊदी अरब को कर्ज देने के लिए मनाए तो कैसे।
क्योंकि पाकिस्तान की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। उसके पास न तो पैसा बचा है, न ही लोगों को खिलाने के लिए रोटी। ऐसे में दिवालिया होने से बचने के लिए उसे फौरन भारी भरकम कर्ज की जरूरत है, क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर है। पाकिस्तान के पास सिर्फ $3 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 25,000 करोड़ रुपए ही बचे हैं, जिनसे वो कुछ दिनों का सामान ही विदेशों से खरीद सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान ने अपने दोस्त सऊदी अरब के सामने एक बार फिर से झोली फैलाई थी, लेकिन इस बार सऊदी अरब ने पाकिस्तान को करारा झटका दे दिया। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि सऊदी अरब के कर्ज नहीं देने के इस फैसले से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सदमे में हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान की एक गुहार पर खाड़ी देश उसकी मदद के लिए आगे आ जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा। माना जा रहा है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान से मोह भंग हो चुका है और वो किसी भी तरह उससे अपनी जान छुड़ाने में जुटा है। और ऐसा तब लगा जब कुछ हफ्ते पहले सऊदी अरब ने अपने दुश्मन तुर्की को भारी भरकम कर्ज देने का ऐलान कर दिया था, जबकि पाकिस्तान अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए उसके आगे कर्ज के लिए गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन सऊदी अरब ने दो टूक कह दिया कि वो कर्ज तभी देगा जब उसे पाकिस्तान की सरकारी संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। मतलब पाकिस्तान के सामने ऐसी शर्त रख दी जिसे पूरा कर पाना शहबाज शरीफ के बूते के बाहर था, जबकि दूसरी तरफ उसने तुर्की को बिना किसी शर्त के $5 अरब यानी भारतीय रुपयों में 40,000 करोड़ लोन देने का वादा कर दिया, जिससे पाकिस्तान की शहबाज सरकार को बड़ा झटका लगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पाई पाई के लिए मोहताज है। महंगाई की वजह से वहां के हालात बेकाबू हो चुके हैं। अगर मदद नहीं मिली तो यह आर्थिक संकट वहां भयानक त्रासदी का रूप ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां के लोग गरीबी और भूख से तंग आकर अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। दो रोज पहले कराची में रहने वाले एक परिवार ने महंगाई से तंग आकर जहर खा लिया, जिसमें एक छोटी बच्ची की मौत हो गई। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई की वजह से जान देने की ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले महीने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवाल में भी एक मजदूर ने दो बच्चों के साथ गरीबी से तंग आकर नहर में कूद कर आत्महत्या कर ली थी। इसी तरह पंजाब प्रांत के ही एक दूसरे शहर में एक आदमी ने महंगाई की वजह से अपनी 4 साल की बेटी के साथ खुदकुशी कर ली थी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जल्द ही रूस में हवाई सेवा बंद करने की नौबत आ जाएगी। दावे के मुताबिक रूस पुर्जों की कमी की वजह से यात्री विमानों को स्टार्ट करने में नाकाम हो जाएगा, क्योंकि उन्हें स्टार्ट करने के लिए जिन स्पार्क प्लग की जरूरत होती है रूस के पास वो लगभग खत्म है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के पास जो भारी भरकम सुपरजेट 100 विमान हैं, उनमें अमेरिकी कंपनी के स्पार्क प्लग इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यूक्रेन पर किए रूस के हमले के बाद अमेरिका ने ही रूस पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके बाद रूस और अमेरिका के बीच किसी भी तरह के व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि रूस की एक कंपनी सैटर्न के पास मौजूद कुछ स्पार्क प्लग से पिछले 11 महीनों तक काम चल गया, पर अब वो भी खत्म होने को है। रूस के एक टेलीग्राम चैनल का तो ये तक दावा है कि अगर ये किल्लत इसी तरह बनी रही तो सिर्फ सुपरजेट 100 नहीं बल्कि सुखोई विमानों के भी बंद पड़ने की नौबत आ सकती है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटेन की सेना के एक पूर्व पायलट को हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि वो चीन के पायलटों को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा था, जो ब्रिटेन के कानून के मुताबिक जुर्म है। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने दावा किया कि ब्रिटेन की सेना का ये पूर्व पायलट TFASA यानी चेस्ट फ्लाइंग एकेडमी ऑफ साउथ अफ्रीका के जरिए चीनी पायलटों को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा था, जो ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ब्रिटेन की वायुसेना की तकनीक अगर चीन के हाथ लग गई तो ये बाकी देशों के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका कई बार ये आशंका जता चुका है कि चीन ताइवान को हड़पने की कोशिश में है, जिसके लिए वो आए दिन उसकी एयर स्पेस में घुसपैठ करता रहता है। हालांकि अमेरिका इस मामले में ताइवान के साथ खड़ा है। दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने अपने पायलटों को ब्रिटेन की तकनीक सीखने के लिए भेजा, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अमेरिका से भी मुकाबला कर सकें। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट को ठेंगा दिखा दिया। 2 दिन पहले ही युद्ध अपराध के मामले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जिसके बाद पुतिन न सिर्फ क्राइमिया गए बल्कि यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले मारियोपोल में भी जा धमके। इतना ही नहीं, रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष ने तो उस गिरफ्तारी वारंट की तुलना टॉयलेट पेपर से कर दी। असल में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पुतिन पर आरोप लगाया गया कि वो युद्ध के दौरान यूक्रेन के बच्चों को अगवा करने की घटनाओं में शामिल रहे हैं। साथ ही पुतिन पर ये आरोप भी है कि उनके आदेश पर यूक्रेन से हजारों बच्चों का अपहरण कर उन्हें रूस में लाया गया। हालांकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस गिरफ्तारी वारंट के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने ये साफ कर दिया कि पुतिन के खिलाफ कोर्ट का ये आदेश उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, जिसका मतलब है कि रूस ने इस बार इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से सीधी टक्कर लेने की ठान ली है।